संडे हो या मंडे, रोज खाए अंडे। अंडा कौन पसंद नहीं करता, छोटे से लेके बड़ों तक सभी पसंद करते हैं, स्पेशली बच्चे एंड स्टूडेंट्स। और क्यों ना करे, अंडे प्रोटीन से भरपूर होता है, तो अंडे खाना सबके लिए फायदेमंद है। तो आज हम दिखाएंगे बहुत ही पॉपुलर और बेसिक दो अंडे की रेसिपी, जो कोई भी आसानी से घर में बना सकता है और दिन में कभी भी आप इसे खा सकते हो। तो आज हम बनाएंगे इंडियन स्टाइल पोस्ट एग एंड ऑमलेट। तो ऑमलेट बनाने के लिए हमने लिया है दो अंडे और इसमें हम मिलाएंगे हाफ ओनियन, इसे मैंने बारीक काट लिया है, हरी मिर्च और थोड़ा सा ही धनिया पत्ता, पर ये ऑप्शनल है। अगर आप धनिया पत्ते यानी कि कोरिएंडर लीव्स पसंद नहीं करते तो ना मिलाए। मैंने हाफ प्याज लिया है, इसे मैंने बारीक काट लिया है और दो हरी मिर्च को मैंने बारीक काट लिया है। अब जितना स्पाइसी ये ऑमलेट पसंद करते हो उसी के हिसाब से आप थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हो। पहले हम दो अंडे को तोड़ लेंगे, फिर हम इसमें मिलाएंगे प्याज, हरी मिर्च और थोड़ा सा ही धनिया पत्ता, और हम इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा ही नमक दो पिंच और थोड़ा सा ही ब्लैक पेपर पाउडर, और हम अच्छी तरह अंडे को फेंट लेंगे। अंडे को हमें अच्छी तरह फेंटना होगा, जितना हम अंडे को फेंटेंगे ओमलेट उतना ही फ्लफी बनेगी, तो इसलिए अंडे को हम पहले अच्छी तरह फेंट लेंगे। अच्छी तरह हमने फेंट लिया है, अभी हम करेंगे अंडे को फ्राई। अभी हम ऑमलेट बनाने के लिए पहले लेंगे ऑयल। अब ऑयल की जगह बटर या फिर घी भी यूज़ कर सकते हो। ऑयल को अच्छी तरह हम तवे पे फैला लेंगे और जैसे ही ऑयल थोड़ा गर्म हो जाएगी हम इसमें फेटा हुआ एग डालेंगे और चारों तरफ हम पैन के आसपास ऐसे घुमा के ऑमलेट को हम सेट कर लेंगे। अभी हम ऊपर से थोड़ा सा ही रेड चिली पाउडर स्प्रिंकल करेंगे, अगर आपके पास चिली फ्लेक्स हो तो वो भी आप डाल सकते हो, पर ये स्टेप ऑप्शनल है। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी ऑमलेट नहीं पसंद है तो ये स्टेप आप स्किप भी कर सकते हो। अभी हम 2 मिनट तक इसे टच भी नहीं करेंगे और 2 मिनट के बाद इसे हम सावधानी से पलट देंगे। देखिए कितना फ्लफी बना है ये ऑमलेट। अब दूसरे तरफ से भी हम अच्छी तरह सेक लेंगे और करेंगे डिश आउट। ये इतना ही इजी और टेस्टी रेसिपी है जो 5 मिनट में बनके रेडी हो जाएगा। और ये ऑमलेट इंडिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला और पॉपुलर स्ट्रीट फूड है। इंडिया के कोई भी शहर में आप जाओ ऑमलेट नहीं मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अभी हम करेंगे इसे डिश आउट। अब हम बनाएंगे इंडियन स्टाइल पोस्ट एग। ये पोस्ट एग को सनी साइड अप भी कहा जाता है। ब्रेकफास्ट में काफ़ी सारे लोग ये पोस्ट एग खाना, इंडियन स्टाइल पोस्ट एग खाना बहुत पसंद करते हैं। अब पोस्ट एग बनाने के लिए पहले हम तवे पे लेंगे थोड़ा सा ही ऑयल। ऑयल को हम चारों तरफ स्प्रेड कर लेंगे और अच्छी तरह गरम कर लेंगे। अब जैसे ही ऑयल गरम हो जाएगा एक अंडे को तोड़ के सावधानी से हमें तवे पे डालना होगा ताकि अंडे का जो योक है वो बिखर ना जाए। अब 1.5 से 2 मिनट तक हम अंडे को लो टू मीडियम फ्लेम में कुक करेंगे और जब तक अंडे कुक होता रहेगा हम थोड़ा सा ही नमक और ब्लैक पेपर ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे। और फिर हम करेंगे डिश आउट। आशा करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करना, और पहली बार मेरे चैनल अगर आप देख रहे हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे नए कोई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।